तो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो को अपलोड किया था जो कि था होंडा के ही DO8 स्मार्ट वाले स्कूटर के बारे में, और उसी वीडियो के ही नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, और वो जो कमेंट्स है ना सारे के सारे, तो उनमें से ही मतलब लगभग सारे के ही बारे में हम लोग तो बात करेंगे ही इसी वीडियो के अंदर। और उसके ही साथ भाई कुछ जो इंटरेस्टिंग वाला कॉमेंट मुझे लगा तो वो मैं अभी बताना चाहूंगा, जो कि है ये जो होंडा DO8 स्मार्ट वाला स्कूटर है ना। तो एक भाई पूछ रहा था कि ये जो स्कूटर है तो ये कब तक लॉन्च होगा इस इंडियन मार्केट में, प्रूफ के साथ बताओ। और उसके ही साथ एक भाई ने ये भी कुछ कहा कि ये जो होंडा डीओ है ना, तो ये नॉर्मल डीओ वाला स्कूटर ही अभी इस इंडियन मार्केट में अंदर लगभग दिख नहीं रहा है, तो उसके पीछे का जो कारण है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्म 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 ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखो दोस्तों, ये जो होंडा DO8 स्मार्ट वाला जो स्कूटर है ना, तो इसके ही रिलेटेड जो एक वीडियो है तो ये मैंने कल अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो एक वीडियो है ना, तो इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि ये जो DO8 स्मार्ट वाला जो स्कूटर है तो ये पहले बार तो भाई बाहर के एक देश के अंदर लॉन्च हुआ है, और ये जो अभी DO8 स्मार्ट वाला स्कूटर है ना, तो ये अभी इसी इंडियन मार्केट के भी अंदर आ सकता है। अब ये जो सारा का सारा कुछ चीज है ना, तो ये भाई अगर जानना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है पहले वाले वीडियो का। तो ये जो चीज है ना, तो ये तो भाई अलग है, लेकिन हाँ हम लोग जो कमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो उसके अंदर एक जो कमेंट दिखाई दिया तो वो तो भाई एक भाई ने बोल ही दिया कि ये एक स्कैम वीडियो है। और उसके ही साथ एक तो ये भी कुछ बोल दिया कि ये जो स्कूटर है तो ये कब लॉन्च होगा ये भी बताओ। और उसके ही साथ ये भी कुछ एक कॉमेंट दिखाई दिया कि ब्रो अभी तो नॉर्मल वाला जो डीओ है ना, तो वो भी अवेलेबल नहीं है शोरूम में। तो इसका जो कारण है तो यही मैं पहले चाहूंगा। अब देखो दोस्तों, ये जो होंडा डीओ और ग्लाजिया नाम का जो एक स्कूटर है ना, तो इनका जो यूनिट्स जो सेल हुए है ना, तो वो जीरो है। अब दोस्तों ये जो बात है ना, मतलब जीरो वाला, तो ये सुन के तो आप लोग भी कहीं ना कहीं शॉक में पड़ जाओगे कि हाँ भाई ऐसा भी क्या हो सकता है कि कोई एक कंपनी का जो स्कूटर है तो वो एक भी नहीं बिका। तो इसी वजह से भाई आपको मैं यही कुछ बोलना चाहूंगा कि देखो ये जो डीओ वाला स्कूटर है और जो ग्लाजिया वाला स्कूटर है ना, तो ये दोनों ही स्कूटर जो है तो ये अभी डिसकंटिन्यू हो सकता है इस इंडियन मार्केट से, और बहुत जल्दी। और उसके ही साथ साथ दोस्तों और एक भाई का जो कमेंट है ना, तो वो है कि फुल डिटेल वीडियो बनाओ मार्केट में कब लॉन्च होगा, वो भी प्रूफ के साथ DO8 स्मार्ट। और दोस्तों देखो ये जो पूरा का पूरा ये बात है ना प्रूफ के साथ जो बताने वाला, तो वो देखो दोस्तों पहले बात तो भाई एक ही आंसर देना चाहूंगा जो है कि मैं क्या अब तक तो भाई कोई भी ऐसा यूट्यूबर को मैंने नहीं देखा जो कि फुल प्रूफ के साथ कोई एक वीडियो बना सकता है कि ये जो स्कूटर है तो ये लॉन्च हो जाएगा इसी इंडियन मार्केट में, वो भी इसी साल या फिर अगले साल जो भी है। मतलब देखो दोस्तों, जब तक बाइक्स और स्कूटर्स जब टेस्टिंग हो रहा है ना रास्ते के ऊपर, तब से लेके लॉन्च होने तक हर एक यूट्यूबर जो है तो वो उसके पीछे लगा हुआ रहता है। लेकिन हाँ, जब तक कंपनी से एकदम क्लियर तरीके से कुछ ऐसा सामने नहीं आता है कि ये जो स्कूटर है तो ये अब तक लॉन्च होगा या फिर अब लॉन्च होगा, तब तक तो भाई कोई भी यूट्यूबर जो है तो वो ये नहीं बोल पाएगा कि ये जो स्कूटर है तो ये भाई अभी के डेट में लॉन्च होगा या फिर कल लॉन्च होगा, वो भी प्रूफ के साथ। अब दोस्तों देखो, ये प्रूफ वाला सीन तो अलग है, लेकिन हम लोग अगर बात करें एक न्यू रूमर का, तो दोस्तों देखो अभी के डेट में एक न्यू रूमर इसी इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ही जोरों शोरों से फैला है, जो कि है ये जो होंडा DO8 स्मार्ट वाला जो स्कूटर है ना, मतलब कि जो अभी बाहर के देश के अंदर एक लॉन्च हुआ है, तो वो वाला ही स्कूटर जो है वो 8 स्मार्ट वाले टेक के साथ, तो वो अभी इसी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगा बहुत ही जल्दी। और अभी के डेट में तो एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा ही है कि 2023 से लेके 2024 साल के ही अंदर अंदर जो है तो वो ये जो लॉन्च है DO8 स्मार्ट का, तो वो ये हो जाएगा इसी टाइमलाइन के अंदर। अब दोस्तों देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा एक्सपेक्टेशन भी क्यों किया जा रहा है, तो देखो इसके पीछे का जो कारण है तो वो है कि अभी के रेट में जो डीओ और ग्लाजिया वाला जो मॉडल है ना, तो इन दोनों ही मॉडल का जो सेल है तो वो जीरो हुआ है। तो इसी वजह से भी कहीं ना कहीं लास्ट एक ट्राई जो है तो वो करने वाला है इसी इंडियन मार्केट के अंदर डीओ और ग्लाजिया के साथ, और ये जो लास्ट ट्राई है ना, तो इसके अंदर टेक जो है तो वो शामिल होगा इसी ट्राई में। मतलब कि ये जो है ना, तो ये एक तरीके से समझ जाओ कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, तो ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो ये जो डीओ है तो ये इसी इंडियन मार्केट के अंदर फिर से तहलका मचाएगा, और होंडा कंपनी जो है वो इसी इंडियन मार्केट में सेल जो है डीओ का तो वो भी करने लग जाएगा। अब दोस्तों देखो, ये जो DO8 स्मार्ट वाला स्कूटर है ना, तो इसके अंदर आपको अगर जानना चाहते हो कि क्या कुछ न्यू देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर देखो सबसे पहला जो चीज है तो वो तो है ये जो कीलेस लॉक अनलॉक वाला जो फीचर है, और उसके ही साथ साथ जो कीलेस इग्निशन ऑन जो फीचर है, और इसके अलावा जो हैंडल लॉक वाला जो फीचर है कीलेस, और इसके अलावा जो बूट स्पेस जो कीलेस खोलने का जो फीचर है, और इसके ही साथ साथ जो पार्किंग में जब आपका स्कूटर रहेगा तो वो भी तब मतलब कीलेस जो है तो उसका जो पार्किंग लाइट है या फिर जो अलर्ट लाइट है तो वो
कुछ जल जाएगा या फिर जला सकते हो दूर से ही। तो यही कुछ सीन है भाई इसी ये जो कीलेस वाला जो या फिर एट स्मार्ट वाला जो टेक है तो इसका। दोस्तों ये भी जान लो कि ये जो होंडा डियो एट स्मार्ट वाला स्कूटर जब इसी इंडियन मार्केट के अंदर आएगा ना, तब इसी स्कूटर के भी अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा तो उसके भी अंदर लगभग उतना कुछ चेंजेस होगा नहीं। और इसके अलावा अगर जानना चाहते हो डियो के अंदर इंजन में क्या कुछ देखने को मिलेगा तब भी, तब देखो दोस्तों इसी इंडियन मार्केट के अंदर जब भी ये लॉन्च हो जाएगा तब भी इसके अंदर आपको BS6 फेज 2 वाला जो इंजन है तो वो कुछ देखने को मिल जाएगा। और उसके ही साथ साथ जो इंजन के अंदर पावर भी देखने को मिलेगा तो वो भी करीब करीब 7 से लेकर 8 BHP के अंदर जो है तो वही कुछ देखने को मिलेगा। और जो मैक्सिमम टॉर्क है ना तो वो भी करीब करीब 8 से लेकर 9 Nm के अंदर जो है तो वही कुछ देखने को मिलेगा इस इंडियन मार्केट के अंदर डियो के ही न्यू वाले मॉडल के भी अंदर। और इसके ही साथ साथ उसी मॉडल के अंदर जो आपको न्यू इंजन भी देखने को मिलेगा ना तो वो भी 110cc वाला ही इंजन देखने को मिलेगा, एयर कूल वाला। तो यही कुछ सीन है भाई। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम में जो है तो तब भी एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही कर रहा है बहुत सारे लोग की कॉस्ट कटिंग के वजह से होंडा कंपनी ड्रम ब्रेक्स के साथ में ये जो कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है तो वही कुछ ऑफर कर देगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।